अभी हम लोग ये पिस्टन को थोड़ा सा अंदर करेंगे, ठीक है ना, ये बॉक प्लस का मदद लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे नट लूज कर दे, ऐसे ऑयल आएगा। चार पिस्टन है ना दोस्तों, दो तो गया, अभी दो बाकी है। ये हो गया हम लोग का KTM का डिस्पेट दोस्तों, नया वाला डिस्पेट हम लोग फिट करेंगे। तो बहुत दूर से मंगाना पड़ा यार, सुबह खुले थे, अभी देखे टाइम कितना, 6 बज गया। तो अभी एडवांस पे लेके रख दिया, अभी फिर से खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे सब दो दो पीस करके एक्स्ट्रा में ले लिए। तो थोड़ा सा और फंसा तब हम लोग डिस्पेट को फंसाएंगे नया वाला। तो दोस्तों हम लोग दोनों डिस्पेट फंसा दे, ठीक है ना, अभी टाइट नहीं किया। खाई दोस्तों दो आदमी होने से सही होता है KTM का डिस्पेट लगाने में। तो अभी सिर्फ टाइट करना बाकी है, तो मेरा आदमी क्या कोई चेन टाइट करने के लिए आ गया, तो इधर फिटिंग हो चुका है, ठीक है ना। देखें लग गया फिर, तो वो आएगा अभी, हम पकड़ेंगे और टाइट करेगा, ठीक है ना। क्या मेरे एक हाथ में कैमरा है दोस्तों, देखिए बिल्कुल फंस चुका है। फिर हम लोग फिट करके ब्रेक चापेंगे, फिर टेस्ट ड्राइव करके भी बताएंगे। भैया तो दोस्तों इधर टाइट कंप्लीट हो गया, अभी फटाफट से हम लोग फंसा देते हैं, ठीक है ना। साइड हो गया, साइड हो गया दोस्तों, मेरा एक हाथ में कैमरा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, देखे फंस चुका है। आप बानोबर बोल को यहाँ पे फंसाते, तो मेरा आदमी उधर काम कर रहा है, एक हाथ में मेरा कैमरा है। तो देखे दोनों को फंसाते और फिर ब्रेक लेवर भी खुला हुआ है, ब्रेक लेवर भी लगाएंगे और फिर दिखाते लोग का ब्रेक सही हुआ या नहीं, डॉट से टाइट कर लेते। तो दोस्तों लेबर फंसा दे, नीचे वाला 10 नंबर नट को टाइट कर रहे, देखो काम नहीं करता, दो चार बार पंप मारना पड़ेगा। आई देखिए आ गया लाइन में, आई 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 आ गया, देखिए इतना बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही है। देखिए चक्का घुमाएंगे, हाँ ऐसे टेढ़ा करते, देखिए घूम रहे हैं ना, ऐया देखिए बिल्कुल सही है। तो डिस्पेट का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इधर टाइट हो गया, लेबर भी लगा दे, कपड़ा मारना पड़ेगा, हम लोग कपड़ा मार देंगे बाद में। हम लोग स्टॉक में रख दे, अभी देखिए यहाँ डिस्पेट इधर KTM का, तो मेरा आदमी का काम होगा, फिर टेस्ट ड्राइव करके दिखाते। तो दोस्तों इसका जो काम था डिस्पेट का बिल्कुल कम्प्लीट, हम लोग न्यू डिस्पेट डाल दिए, का बहुत दूर से लाना पड़ा इसलिए टाइम लग गया। सुबह खुले थे, करीब 9 बजे के आसपास खुले थे, अभी तैयार हो गया, सारा छह हो गया फाइनल, एक गाड़ी का चेंज करना पड़ा, BS6 सुपर का टाइम लग गया करीब 20-25 मिनट। तो देखिए हम ब्रेक मारते हैं, अभी देखिए बिल्कुल सही है, अब थोड़ा साइड करते हैं, अरे देखिए ऐ देखिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये डिस्पेट लगा है, ठीक है ना, ये काम छोड़ दे, एक है मैं दोस्तों दो पेट लगता है ना डिस्क, कोई भी गाड़ी में दो ही लगता है, तो ये थोड़ा कम घिसा, जो हम हुक हो गया मेरे पास से वो ज्यादा घिस गया था, ठीक है ना, ये जो लोहा ये निकल गया था, और क्या हो गया था, पिस्टन ज्यादा निकलने का कारण ये चक्का जाम होने लग गया था, जैसे ब्रेक मार दिया वहीं पे जाम हो गया। तो हम लोग को फिर 8 नंबर वो बोल लूज करके एयर पास करना पड़ा, फिर ऐसे गाड़ी हम लोग लाए। अभी गाड़ी का जो प्रॉब्लम था
वो 90% सॉल्व हो गया, 90% मतलब 100% यह अभी नहीं होगा, कम से कम दोस्तों एक साल के लिए हो गया, एक साल चलेगा। कई डिस्पैट बहुत हैवी क्वालिटी है, अभी बहुत आदमी बोले कि इसका दाम कितना है, तो दोस्तों 395 का MRP 420 रुपया दाम है इसका, ठीक है ना। और वो MRP का रेट से नहीं मिलता हम लोग का एरिया में, MRP से ज़्यादा लेता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, एकदम कम्प्लीट। तो इसको थोड़ा स्टार्ट करने का जरूरत नहीं, फिर भी देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, क्या इस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा बाइक का रिलेटिव, ताकि रिपेयर छोटा हो ताकि बड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग का पास टाइम मिलता है वीडियो बना के YouTube में अपलोड करते हैं ताकि हर आदमी को काम आए। तो दोस्तों अभी थोड़ा बहुत पानी मार देते हैं, गंदा गया, कल सुबह 9 बजे खुले थे, अभी 7 बजने वाला है, कुछ बाकी है, 7 बजने वाला, अभी कम्प्लीट हो गया। तो दोस्तों अभी बहुत आदमी बोले कि इसका फिटिंग वुटिंग करके कितना, तो दोस्तों इसका एक्स्ट्रा हम लोग चार्ज लेंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, कहीं बहुत दूर से लाना पड़ा, खर्चा हो गया। तो दोस्तों करीब इनसे हम लोग लेंगे 800 रुपया, 800 रुपया ओनली खाली डिस्पैच का लेंगे 800 रुपया, कहीं लोकल में नहीं मिला दोस्तों, सिल्लीगुड़ी से मंगाना पड़ा, सिल्लीगुड़ी से, अगर हम जाते हैं तो बर्बाद हो जाते, कोई आदमी आने वाला था फोन किया वो लाया, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, इसलिए 800 रुपया लेंगे, नहीं तो 1000 रुपया पार हो जाता, तो अभी कम पड़ेगा। मेरा पास अभी 2 पीस आगे वाला आ गया, पीछे वाला 2 पीस आ गया, ठीक है ना, अभी एक्स्ट्रा में हम लोग रखते हैं, कई सेम ही होता है दोस्तों। तो और एक प्रॉब्लम है इसका पॉकेट का बारे में बोले तो कंपनी का मानना क्या, ये जो है ना असेंबल ही लगाना चाहिए, करीब 1500-1600 रुपया इसका कीमत है, इतना आएगा, ठीक है ना, वो सही रहेगा, सबसे अच्छा बेस्ट भाई, हम लोग इसमें लगा दे बजाज का पल्सर का लगा दे और बिल्कुल चल रहा है, ठीक है ना, पहले लगाए थे हम बिल्कुल चल रहे हैं, तो ये नया लगाना ही सही है, कंपनी भी सही करता फुल किट असेंबल लगाना चाहिए और बिल्कुल सही है। तो दोस्तों डिस्पैच का काम बिल्कुल कम्प्लीट, तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, कहीं भी किस्टम गाड़ी का प्रॉब्लम आ जाता है इसे हम लोग वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करते हैं, इसलिए वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, हर एक वीडियो मिल जाएगा, अच्छे में बहुत सारा वीडियो अपलोड हो गया, फिर भी हो रहा है अभी भी, जैसे टाइम मिलता है वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं।